अक्सर डायनासोर के अवशेष या निशान मिलने से ये चर्चा तेज हो जाती है कि आखिर दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कितना बड़ा हो सकता था, कितने साल पहले था, कैसे चलता था और क्या खाता था। हालांकि इन सवालों के जवाब में कई थ्योरियां सामने आई और गई। इसी कड़ी में अब खोज हुई है डायनासोर के पैरों के निशान की। इस खोज पर आगे अध्ययन भले ही बड़े बड़े वैज्ञानिक कर रहे हों, लेकिन प्राथमिक रूप से इसकी खोज एक 4 साल की बच्ची ने की है। बैरी के बैंड्रिंग्स बे में लिली वाइल्डर ने जो निशान खोजे हैं, वे 22 करोड़ साल पुराने हैं और अब तक सुरक्षित हैं। पैरों के निशान 10 सेंटीमीटर लंबे हैं। अनुमान है कि यह डायनासोर 75 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। बता दें कि खोजे गए पैरों के निशान को नेशनल म्यूजियम वेल्स पेलियंटोलॉजी क्यूरेटर सिंडी हॉवर्स ने बेहतरीन बताया है। लिली अपने पिता के साथ बीच पर टहल रही थी जब उन्हें ये निशान दिखा और उन्होंने अपने पिता रिचर्ड को दिखाया, जिन्होंने इसकी फोटो खींचकर अपनी पत्नी के पास भेज दी। लिली की मां सैली ने एक्सपर्ट्स के साथ इस जानकारी को साझा किया। विशेषज्ञों ने बताया कि ये जिस डायनासोर के पैरों के निशान है वो 2 पैरों से चलने वाली प्रजाति का रहा होगा और छोटे जीवों को खाता होगा। इससे पहले भी बीच पर पैरों के निशान नजर आते रहे हैं, जिन्हें मगरमच्छ जैसे रेंगने वाले जीवों का माना जाता रहा। इन निशानों को नेशनल म्यूजियम कार्डिफ में सुरक्षित रखा गया है। बता दें कि बैंड्रिक्स बेरी और सली के बीच तटीय इलाका है। ये एक अहम जीवाश्म विज्ञान स्थल भी है। इससे पहले अर्जेंटीना में मिले कंकाल ने डायनासोर को लेकर वैज्ञानिकों की जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया था। माना जा रहा था कि ये पृथ्वी पर चलने वाले सबसे बड़े प्राणियों में से एक हो सकता है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।